एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7। ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 7, हाइट 24। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। आपने पहले एक कैप का, अच्छा कैप को फॉर्म करने में यू विल फाइंड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल। एक्चुअली कैप अंदर से एम्प्टी होगी तभी बियर करेंगे, ठीक है। तो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, जैसे एरिया ऑफ टेंट निकालते थे सेम वैसे ही। क्या होता है जगनूर? कर्व्ड सरफ पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 होता है, नीचे करो हाथ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर दो, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ यू हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिखा है, स्लांट हाइट फाइंड करेंगे। हाँ जी लास्ट हैविश बोलो। स्लांट हाइट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच इज 24 एंड रेडियस इज 7, 576 प्लस 49 दैट इज 625 एंड स्क्वायर। या दिस इज स्लांट हाइट। Now, curved surface area is pi r l. क्या आएगा आंसर? ये आ गया, ये क्या आया? मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन कैप। हमें कितनी कैप्स फॉर्म करनी है? 10। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर 10 कैप्स इज 550 इंटू 10 That is 5500 centimeter square. Done? Any doubt? Next question. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made up of recycled cardboard. आपने देखा ना वो road के जब road close करनी होती है कि यहाँ से traffic ना pass हो, तो वहाँ पे cones रखे होते हैं red color वाले. रखे होते हैं ना, वही है वैसे ही। कहता वैसे ना कोन्स आपने कार्डबोर्ड के फॉर्म करने हैं। ईच कोन हैज अ डायमीटर 40, डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना आ जाएगा? डायमीटर 40 है, रेडियस आ गया 20, हाइट है 1 मीटर, ये सेंटीमीटर में है मीटर में है, हाइट हो जाएगी 100 सेंटीमीटर हाइट आ गई। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, what will be the cost of painting all these cones? आपने कोन को बाहर से पेंट करना है, बाहर वाली साइड पे पेंट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे ऑफ वन कोन, देन ऑफ 50 कोन्स, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल, एल नहीं है आपके पास, स्लांट हाइट फाइंड करेंगे। स्लांट हाइट इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच इज 100, 100 है ना, ठीक है। आप एक काम भी कर सकते हो, जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते थे, सेंटीमीटर में कर लेते हैं, बाद में मीटर में चेंज कर लेंगे, वो भी चलेगा। 100 स्क्वायर प्लस
ट्वेंटी स्क्वेयर, 1004 ये आ जाएगा, इसका स्क्वेयर रूट फाइंड कर लें बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे करते हैं स्क्वेयर रूट फाइंड? राइट साइड से पेयर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 पॉइंट, हमारा क्या आएगा 1 पॉइंट। अभी हमारा ये किसमें चल रहा है? उन्होंने मीटर में दे रखा है, उन्होंने मीटर में गिवन है, हमारा क्या आएगा फिर? इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, ये ऐसे बन जाएगा 1.04, 10,000 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट, ठीक है। आप स्टार्टिंग में चाहते मीटर में करना तो वो भी कर सकते हैं। अपॉन में करके हाँ कर सकते हैं, वैसे ही है ये भी, वही है। ये आ गई स्लांट हाइट। अब आपने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन, देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। क्यों? अब मीटर में ही रहने दो, उनको भी मीटर में कर लेंगे। ना बड़ा बीच में आके पूरी स्क्रीन पे आ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर, अच्छा इसको क्या लिखेंगे? अब मीटर में कर रहे हैं 0.2 into पाई आर एल, करो मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा दो, सीधे सीधे सारे मल्टीप्लाई करके ना डेसिमल लगा दो, 5 डेसिमल के बाद, यहाँ डबल है यहाँ सिंगल यहाँ डबल, तो टोटल 5 होगी ना, क्या आएगा आंसर? मल्टीप्लाई करो 6 4 0 5 6 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इसे, फिर इसकी फाइंड करनी है कॉस्ट। थ्री थर्टी 2.02 यार, अब फाइंड करनी है कॉस्ट, कॉस्ट जो है दैट इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर, 12 into 32.028 करो मल्टीप्लाई, थ्री टू जीरो आ रहा है, यहाँ कितनी जीरो आ रही है, ऐसे आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो इसे, निकालो आंसर।
चलो ये आ गए, ये आ गई कॉस्ट इन कोन्स को पेंट करने की, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स, क्या आ गया? नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्फीयर है, स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज सेम 4 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका वॉल्यूम होता है 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, और अगर हेमिस्फीयर हो जाए तो 4 बाय 3 का हाफ कर दोगे 2 बाय 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्फीयर 13.4 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस इज 10.5, फाइंड द सरफेस एरिया। मैं आपको एक बात बता दूं, जब सरफेस एरिया लिखा है दैट मींस टोटल सरफेस एरिया, जब लिखा है ना सिर्फ सरफेस एरिया दैट मींस इट इज टोटल सरफेस एरिया, तो आपने यहाँ सरफेस एरिया निकालना है, मींस टोटल सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इज 22/7, रेडियस इज 10.5 × 10, इसकी कटिंग हो रही है इसके साथ, 7 × 7 3 is left, 7 × 5 = 35, ये मल्टीप्लाई कर लो 88 × 1.5 × 10.5, करो मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है? फिर नोटबुक 13 क्या एक ही पार्ट बहुत है, सेकंड पार्ट कर लेना, इवन होमवर्क में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ओके जरा आ जा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है, रेडियस विल बी 7 एंड टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, 22/7, रेडियस इज 7 × 7, करो सॉल्व 88 × 7, हमेशा याद रखना, ये देखो इधर अगर आप 7, 4 + 28 करते हो तो 28 और 22 को लिख के आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आप इसको पहले कर देते हो तो 88 हो गया, अब ये आप वर्बली कर सकते हो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो पहले छोटे वाली मल्टीप्लाई है पहले वो करना, सिंगल डिजिट वाली पहले कर लेना, सिंगल सिंगल को पहले मत करना नहीं तो वो डबल डिजिट बन जाएगा तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए बेटर है कि जो वर्बली आप कर सकते हो मल्टीप्लाई पहले वो करो। हाँ जी, सेकेंड पार्ट होमवर्क है, मैंने अभी बताया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भवन, 3 पाई आर स्क्वायर, और अगर सिर्फ हेमिस्फीयर का ऊपर वाला कर्व्ड लेना हो तो हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व्ड लेना हो तो
पाई आर स्क्वायर टोटल क्या होता है वैसे पूरा 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का सिर्फ आउटर वाला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपने इसे हेमिस्फीयर बना दिया कट करके, अंदर से एम्प्टी है सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर अंदर से फिल है तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अभी हम फाइंड कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 10। रेडियस है 10, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, इस फॉर्मूला बोलो ऋषिकेश, अभी बता। 3 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इज 10 × 10 दैट इज 100, डेसिमल रिमूव करके 100 कैंसिल। ये इसलिए रिमूव किया है क्योंकि पता चल रहा था कि कैंसिल होना है, अदरवाइज नहीं करना था। 3 × 3 = 14 मल्टीप्लाई करो है 942 cm². और अगर हेमिस्फीयर अंदर से एम्प्टी है तो 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड भी टोटल भी क्योंकि अंदर से एम्प्टी है, और अगर सॉलिड है फिल है तो जाके 3 पाई आर स्क्वायर, अदरवाइज नहीं है। स्फीयर के केस में तो कवर्ड है ना, आपको क्या पता अंदर क्या है, इसलिए टोटल और कर्व्ड दोनों सेम होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अब थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सारे सिंपल थे, लेकिन अब यहां से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। बैलून है जिसका रेडियस 7 है, लेकिन जब उसके अंदर एयर फिल कर दी तो उसका रेडियस इंक्रीज होकर 14 हो गया। तो पहले रेडियस है आर, स्मॉल आर 7, उसके बाद रेडियस है कैपिटल आर दैट इज 14। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। कहते हैं दोनों की सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी है, पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे फिर इसका, दोनों की रेशियो निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, रेशियो मीन्स डिवाइड। हाँ जी, अब पहले तो बैलून जो है स्फीयर है तो टोटल है या कर्व्ड है, सेम है। बोलो जगनूर क्या होता है सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे पूरा लिखने की बजाय S1 S2 इजी हो जाएगा, सारा दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, सेम होता है स्फीयर में, सरफेस एरिया लिख दो सिर्फ, इसलिए S1 S2 लिख दिया। ये क्या आएगा 4 पाई, आर कैपिटल आएगा यहां पे, अब हम ना वैल्यू पुट नहीं कर रहे, रेशो वाले क्वेश्चन में ना चीजें कैंसिल हो जाती हैं, तो वैल्यू क्यों पुट करनी है, टाइम वेस्ट होता है। अब याद रखना ये बात, जब रेशियो क्वेश्चन में आती है, जब आपने डिवाइड करना है टर्म्स को, तो नो नीड टू पुट द वैल्यूज, पहले रेशियो लिख लो फिर डिवाइड, फिर वैल्यूज पुट कर लेना, कैंसिल हो जाएंगी। S1 / S2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर / 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, r² / r² ये आर कितना है 7, ये आर कितना है 14 × 14, आंसर इज 1/4 दैट इज 1:4। क्लियर, क्लियर है, इजी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद रखना रेशियो में टर्म्स विल कैंसिल आउट, नो नीड टू पुट ऑल द वैल्यूज। हाँ लिखते जाओ ये, ठीक है, S1 / S2, S1 ratio S2 आ गई, 1:4।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो. 2 पाई आर. A hemispherical bowl made up of brass has inner diameter 10.5. एक कंटेनर है जो हेमिस्फीयर की शेप में है, उसका डायमीटर दिया हुआ है. रेडियस आ जाएगा कितना? 10.5 का हाफ करोगे 21 बाय 4 आ जाएगा. डेसिमल में करते हो तो 5.25. वो नहीं करना, डेसिमल में नहीं करना, आपने फ्रैक्शन में करना है. डायमीटर है 10.5, रेडियस हो जाएगा 10.5 बाय 2, डेसिमल रिमूव करके 10.25 बाय 4, ये आ गया रेडियस. ठीक है, अब हेमिस्फेरिकल बाउल जो है इसको अंदर से टिन प्लेटिंग करनी है, इसमें अंदर वाले सरफेस पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर करो फाइंड, फिर कॉस्ट निकालनी है. 2 पाई आर स्क्वायर दिव्या कर दो सर. छोड़ दो ऐसे ही, अब कॉस्ट कर लो इसके साथ मल्टीप्लाई. पूरा डिवाइड मत करो ना, इसको ऐसे ही लीव कर दो. 693 बाय 4. अब कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो. ऊपर लिखो दो मिनट चुप हो जाओ. एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई करके तो कंबाइन ही होने हैं, तो कंबाइन लिख दिया उसको. कॉस्ट 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. सिक्सटीन बाय हंड्रेड हो जाएगा. हाँ हाँ कर लिए सॉल्व. आशना कर लिए? पॉइंट में ही आएगा. अभी पहले क्यों निकालना है? कटिंग हो जानी है, हमें पता था. 27 पॉइंट यही आ रहा है. ठीक है, मतलब टिन प्लेटिंग के इतने अमाउंट पे करना पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी. क्लियर? Find the radius of the sphere whose surface area is 154. Surface area means total surface area. Given है, radius find करना है. चलो आ जाओ भवन. जल्दी आओ. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154. फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू पुट कर दो, देन यू कैन गेट आर स्क्वायर फ्रॉम हियर.
चलो करो स्टार्ट। थोड़ा बड़ा लिखो, नीचे वाला स्टेप बड़ा लिखो। हाँ ये जो अब लिख रहे हो इसको थोड़ा सा बड़ा करो, विजिबल नहीं होता। ये तुम दोनों ने चुप नहीं होना, ये गर्ल्स को इकट्ठा कर देंगे आपको लेकिन अलग बिठाएंगे अगर ऐसे करना है तो। आर स्क्वेयर लिखो, 7 डिवाइड हो रहा है, हाँ लिख दो, उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा 88, 7/88। चलो करो कटिंग। सेवन बाय टू हो जाएगा ना, रूट लगाओ ये रब करो ऊपर वाला, 7/2 लिखो आप। हाँ करो, आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 49/4, स्क्वेयर रूट ऑफ 49/4 क्या आएगा स्क्वेयर रूट करके, 7/2 रेडियस आ गया, 7/2, 7/2 का मतलब क्या है, इट्स 3.5। नेक्स्ट स्टेप में लिखो, नेक्स्ट स्टेप में करणवीर क्वेश्चन नंबर 6, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ये 1 मार्क के लिए है क्वेश्चन, ये 1 मार्क में आया हुआ है काफी बार। क्वेश्चन नंबर 7, ये सुनो इधर इधर डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखो, द डायमीटर ऑफ द मून इज, इसमें रख दो बुक में रख लो, द डायमीटर ऑफ द मून इज approximately 1/4 the diameter of the earth, जो मून का डायमीटर है 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, ये दिया हुआ। डायमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, डायमीटर को लिख सकते हैं, इसका डायमीटर स्मॉल डी लिया है, इसको कैपिटल डी भी ले सकते हो या इसे स्मॉल आर ले लो। डायमीटर का मतलब क्या है, ये हो गया 2R, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमने मून के रेडियस को स्मॉल r ले लिया, रेडियस ऑफ मून, ये सबसे पहले लिखना है, ये रेडियस ऑफ मून स्मॉल r, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R, ठीक है। अब वो डायमीटर ऑफ मून जो है 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, डायमीटर मींस ट्वाइस ऑफ रेडियस, डायमीटर ऑफ अर्थ मींस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, टू से ये कैंसिल कर दो, टू ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल आर, ये टू यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर जाके, इसका मतलब अर्थ का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है मून के रेडियस के, यही मतलब है।
डायमीटर जो है वो 1/4 है, लेकिन जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ मून के। ये समझ आ गया, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके जैसा अभी ये क्वेश्चन वॉल्यूम में भी आएगा, सेम यही वॉल्यूम में भी आएगा। अब क्या कहता है, इसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।